नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आईएएस अनपढ़ पर। और आज हम पढ़ेंगे डेसिमल। जैसा कि आप पीछे लोग देख रहे हैं, डेसिमल हिंदी में इसे कहते हैं दशमलव। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर आपने वीकली टेस्ट 2 लिया था और वीकली टेस्ट 2 में दो क्वेश्चन दिए थे सर कि 3.5 का स्क्वायर और 8.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ये डेसिमल वाले क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया। तो मैंने कहा चलो आपको समझ क्यों नहीं आया वो मैं समझ गया, क्योंकि जो डेसिमल प्रॉब्लम आती है बच्चों को बेसिक्स में वो क्या आती है मैं आज समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो डेसिमल्स में सबसे पहले मैं आज बताने वाला हूँ आपको, पहले मैं डेसिमल या दशमलव को मैं चार भागों में बांटेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, पहले तो ये कि हम डेसिमल में आज सबसे पहले एडिशन सीखेंगे, एडिशन ऑफ डेसिमल। ठीक है, कि डेसिमल में दशमलव का एडिशन कैसे किया जाए, प्लस कैसे किया जाए। सेकंड है उसका सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाए। ठीक है, और थर्ड है उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए, नॉर्मली जो इसमें बच्चों को दिक्कत आती है। और लास्ट में आता है डिवीजन कैसे की जाए। ठीक है, आप बड़ी से बड़ी जिसे देखा जाए तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप बचपन में ही सीख लेते हैं, लेकिन अगर आप जैसे कोई बड़ी एग्जाम देते हैं एसएससी हो गया, ठीक है, या बड़ी कोई सी भी एग्जाम हो गई जिसमें आपके नॉर्मली एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, बैंक के एग्जाम हो गए, तो यहाँ पर पता है डेसिमल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे आपको ये सब चीजें है ना इतनी बेसिक बेसिक पूछी जाती है, यहाँ पे आपको अगर ये बेसिक क्लियर नहीं होता ना तो बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो आज मैं आपको एडिशन सिखाऊंगा डेसिमल का। ठीक है, ऐसे तो डेसिमल का पूरा एक चैप्टर है, इसे हम बाद में मैं पढ़ाने वाला था आपको, पढ़ेंगे भी सही हम, लेकिन अगर बच्चों की डिमांड थी कि सर बेसिक हमें पढ़ा दिया जाए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, अभी बाकी दिक्कत ना आए, इसलिए हम आज ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको नॉर्मली एडिशन पढ़ाऊंगा, बाकी ये तीनों को हम बाद में पढ़ेंगे, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर करके। एडिशन ऑफ डेसिमल, देखो सबसे पहला थंब रूल हमेशा याद रखना डेसिमल का ये है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। किसे? डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मैंने बोला यार अब डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल की लाइन में बोल दो, डेसिमल की लाइन में डेसिमल। अब आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये सिंपल भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ, मान लो कोई नंबर आया आपको एडिशन करना है, जैसे 4.5 + 0.005 + 2.25। अब 90% लोगों को बेसिक क्लियर नहीं होता ना तो पता नहीं क्या करते हैं, वो पता है किस तरह से करते हैं मैं बताता हूँ। 4.5 0.0.5, पता नहीं कहाँ जीरो लगा दिया, फिर आपका 2.25 और कंफ्यूजन हो जाते हैं 5, 5, 4, अब कहाँ डेसिमल लगाए, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता उनको। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, देखो मैं बताता हूँ बेसिक थंब रूल याद रखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, डेसिमल के नीचे लिख लो यार, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, तो मैं बता दो, देखो 4.5 लिखा, ये डेसिमल है, डेसिमल अब यहाँ पे कहाँ है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा मतलब ये, इसके आगे कितनी संख्या थी, एक, तो 0, 0 और 5। ठीक है, अब यहाँ क्या था 2.25, तो 2 तो इधर आएगा डेसिमल के इधर और 2.5 इधर आएगा। ठीक है, अब करो प्लस, ये 5 का 5, 5 का 5, 5 + 2 = 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 + 2 = 6, ये आपका आंसर। ठीक है, आया समझ में, अभी भी नहीं आया कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, मैंने कहा था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल करना है, अभी हम आज हम क्या सीख रहे हैं, एडिशन सीख रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको एडिशन ऑफ डेसिमल, ठीक है, एडिशन ऑफ डेसिमल। ठीक है, क्या कहा मैंने यहाँ पे, एडिशन अगर आपको करना है तो थंब रूल क्या बताया मैंने कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। मान लो कोई नंबर आ गया 4.625 + 0.0078 + आपका आ गया क्या आ गया 0.0025। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कैसे करें, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, सबसे पहले पहला उतारा आपने 4.625, ठीक है उतारा, यहाँ पर दूसरी क्या थी 0.0, तो 0. डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, फिर 0, 0, 7 और 8। ठीक है, ये उतारा, फिर आप बोलोगे सर आप क्या करें, दो डिजिट आ गए कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा, दो जीरो यहाँ लिखे 0, 0 और कितनी डिजिट उसके बाद डेसिमल के बाद 0, 0, 2 और 5, बस आप कुछ नहीं प्लस कर दो, 8, 5, 13, 13 का 3 आता है 1, 5 और 1, 6, 6 और 5 और 1, 6, 6, 7, 8, 8 और 7 हुए आपके 15, 15 का 5, 1, 2 और 1, 3, 6 ये और 1, 4 और जीरो के आगे जीरो लिख भी देते हो कोई फर्क नहीं पड़ना। जीरो मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो मेरी,
जिसे मैंने जीरो बताया था, इसका वैल्यू चेंज होगा कि नहीं होगा? अगर मैं जीरो हटा भी दूं तो कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 4.6353, ठीक है, ये आपका आंसर है। देखो बॉस, ऐसा है, कभी भी किसी भी फेज में सीखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। हो सकता है मुझे भी बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर डेसिमल नहीं आया तो सर हमें कुछ नहीं आता। बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर ये चीजें नहीं आती, किसी को आती है तो कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं, वो बोलते हैं अरे ये चीज भी नहीं आती, अरे तो नहीं आती तो नहीं आती, हम सीख रहे हैं भाई साहब, कम से कम हम कम गलती तो नहीं करेंगे, अगली बार हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार सीख लो, हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसका पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर में अलग चार चार पार्ट बताऊंगा, कि एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो हम कल जो है इसका एडिशन के साथ साथ, जो मैंने एक ट्रिक के साथ अब सब्ट्रैक्शन सीख बताऊंगा कि डेसिमल का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाए, ठीक है, उसमें भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, डिविजन बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आएगा, समझ में आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।